नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम घटे कब? वो 30-35 रुपए 40 रुपए 45 रुपए कब आए? 150 रुपए पर बैरल कच्चे तेल की कीमत 30 रुपए $30 पर बैरल से भी नीचे गई। उस हिसाब से तो आ जाना चाहिए था ना 35-40 रुपए, वो कब आए? सीरो सर्वे क्यों नहीं हो रहा? सीरो सर्वे की जरूरत नहीं है? संक्रमण कितना फैला है, कहाँ पर फैला है, क्या ये हमें जानने की जरूरत नहीं? पिछले महीने का बेस कम था वो बात ठीक है। जनवरी का मैं बताऊं, जनवरी का बताऊं? बताइए ना क्या धमका क्या रहे हैं, डरा रहे हैं मुझे, बताइए ना, पढ़ के बताता हूं। हाँ बताइए ना। देश में कई मुद्दे हैं जिन पर न्यूज में डिबेट होने चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई या फिर किसान आंदोलन का मुद्दा, लेकिन गोदी मीडिया कुछ गिने चुने मुद्दों पर ही अपनी डिबेट करता है। पर आज इस वीडियो में हम बात संदीप चौधरी की करेंगे, जो जरूरी मुद्दों पर डिबेट भी करते हैं और भाजपा नेताओं से सवाल भी करते हैं। न्यूज 24 पर वैक्सीन की स्थिति के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा नेता से वैक्सीन के सही आंकड़े और कोरोना से आगे लड़ने की तैयारी को लेकर कुछ सवाल किए, जिस पर नेता सरकार की तारीफ करते नजर आए, पर एंकर ने भाजपा नेता को ऐसा करने से रोका। गुरु प्रकाश, हम वैज्ञानिक आधार पर लड़ रहे हैं या यहाँ पर दावे वादे ताल ठोकी जा रही है? सीरो सर्वे हम करा नहीं रहे, आकलन हम कैसे करेंगे, लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हम लड़ किस चीज के खिलाफ रहे? और जहां तक सरकार की बात है, निश्चित रूप से जो सीरो सर्वे का प्रश्न है, वैक्सीन का प्रश्न है, खड़े होने चाहिए। और लगातार सरकार की तरफ से जो प्रयास हुए हैं, संदीप जी आपने कहा था कि 18 लाख वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में मेरे जानकारी के हिसाब से 31 लाख, लगभग 30 लाख का आंकड़ा वैक्सीनेशन का टच हुआ है। सीरो सर्वे क्यों नहीं हो रहा? सीरो सर्वे की जरूरत नहीं है? संक्रमण कितना फैला है, कहाँ पर फैला है, क्या ये हमें जानने की जरूरत नहीं? एक मिनट राहुल प्लीज, बीच में नहीं, मैं अभी गुरु से बात कर रहा हूँ। सीरो सर्वे, और सीरो सर्वे पहले हुआ है और अभी भी होना चाहिए। नहीं, उसको तो नजरअंदाज किया, तभी तो दूसरी लहर में ये मारामारी मची, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। उन सीरो सर्वे को तो हमने कूड़े के कूड़ेदान में डाल दिया था। न्यूज 24 पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल किए, जिस पर नेता ने सरकार का बचाव करने की कोशिश की, पर एंकर ने उन्हें अपने तीखे सवालों में घेर लिया। 2014 से पहले आप नारे बुलंद करते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, देश को बताते थे 35 रुपए तक हम पेट्रोल की कीमत ले आएंगे, वो सिर्फ चुनावी वादे थे। नहीं देखिये, सब स्थितियों को समझना चाहिए। आज के समय में जो 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट 9.5% के करीब का चल रहा होने की उम्मीद है, कि प्रधानमंत्री किसान योजना में पैसा दे रही है, सब्सिडी। अच्छा, पहले सरकारें कुछ नहीं देती थी उनके लिए ये विकट समस्या नहीं होती थी, आज विकट समस्या आई है? नहीं, ये सरकार में आने के बाद आपको समझ आया? जो कंस्ट्रक्ट हुई है इकोनॉमी 24% के पिछले क्वार्टर में, तो वह जो इतनी कंस्ट्रक्शन कब हुई है, तो यह कोरोना की बड़ी त्रासदी है। नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम घटे कब? वो 30-35 रुपए 40 रुपए 45 रुपए कब आए? 150 रुपए पर बैरल कच्चे तेल की कीमत 30 रुपए $30 पर बैरल से भी नीचे गई। संदीप, उस हिसाब से तो आ जाना चाहिए था ना 35-40 रुपए, वो कब आए? न्यूज 24 पर एक और डिबेट केंद्र और राज्यों के बीच तनातनी को लेकर हुई। इस डिबेट में संदीप चौधरी ने भाजपा नेता से केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी तनातनी से जनता को हो रही परेशानी पर सवाल किया, जिस पर नेता विपक्ष की राज्य सरकारों पर सवाल उठाने लगी, पर एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अपराजिता ऑक्सीजन को लेकर, की उपलब्धता को लेकर, वेंटिलेटर दिए जाने को लेकर, अब टीकाकरण को लेकर, हर चीज में राजनीति हो रही है। ये केंद्र और राज्यों के बीच में ये फुटबॉल गेम, ये IPL की सीरीज चल पड़ी है, ये पॉलिटिकल लीग हो गई है। आप केंद्र को दोष न दें, मैं दोनों को दोष दे रहा हूँ। आपको क्यों लग रहा है मैं केंद्र को दे रहा हूँ? मैं दोनों को दोष दे रहा हूँ। केंद्र अपना काम कर रही है, केंद्र सारे मुख्यमंत्रियों को लेकर चलने की कोशिश कर रही है। देखिए, जहां तक ममता बनर्जी जी की बात है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऐसा करती रहती है, इनके चरित्र का यह पक्ष है। अहंकार भी है और परिपक्वता भी है। तो जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने फोन किया, फोन का कोई जवाब नहीं आया, बताया गया दौरे पर गए हुए हैं, हेमंत सोरेन कहते हैं मन की बात की, काम की बात नहीं की, तो ये सारे विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं सब अहंकारी हैं, यही तो परेशानी है, इसमें पिस कौन रहा है? न्यूज 24 पर बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा नेता से महंगाई को कम करने पर सरकार की तैयारी को लेकर सवाल किया, जिस पर नेता सरकार की तारीफ ही करती नजर आई, पर एंकर ने उन्हें अपने तीखे सवालों में घेर लिया।
आप सब्जियों का रेट उठा लीजिए, जो मौसमी सब्जियां हैं वो निश्चित रूप से उसके दाम बढ़ेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि ये हर महीने, ये आपको हर महीने इस तरह के व्यवस्था को जानते हैं, ये देखिए महेश वर्मा, अरे आप इकोनॉमिक्स जानते हैं, ये महीने महीने का खेल, यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, ये महीने महीने का खेल नहीं होता, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपैरिजन होती है ना। अरे भैया पिछले महीने का बेस कम था वो बात ठीक है, जनवरी का मैं बताऊं, जनवरी का बताऊं, बताइए ना क्या धमका क्या रहे हैं, डरा रहे हैं मुझे, बताइए ना, आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ बताइए ना, मैं आपको यही जो आप थोक मूल्य सूचकांक जो था वो मार्च में कहा था, अरे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस होता है ना भाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं होता है, आप करेक्ट कर लीजिए इसको, आप करेक्ट कर लीजिए संदीप चौधरी जी, या किसी से पूछ लीजिए कि ये मंथली जो है ये वैरी करता है, दोनों चीज होती है भाई, अब आप मुझे इकोनॉमिक समझाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि संदीप आगे भी इसी तरह जरूरी मुद्दे अपनी डिबेट के जरिए उठाते रहेंगे और भाजपा नेताओं को अपने तीखे सवालों से उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।